वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। अपने इस सेगमेंट में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्स से बात करना चाहेंगे। मैंने इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगा क्योंकि फील्ड फोर्स से, आर्मी से और यूनिफॉर्म फोर्स से कोई भी शख्स हमारे मुल्क में है तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है, क्योंकि 24/7 आपकी खिदमत पे मामूर होते हैं। अपनी लाइफ में बहुत सारी कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए, बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हुए आप लोगों का ख्याल रखते हैं। तो ऐसी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, ये ASP मॉरल टाउन हैं, इनका नाम है रिजवाना मलिक साहिबा। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनकी स्ट्रगल के बारे में और इनकी डेली रूटीन के बारे में और किस किस तरह की, किस किस किस्म के इनको जराइम फेस करने पड़ते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये सब इनसे जानते हैं। तो इनसे बात करते हैं और इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैम प्लेजर इज़ ऑल अस, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने मसरूफ और कीमती वक्त में से हमें अपना टाइम दिया। तो मैम मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप जिस तरह से ड्यूटी परफॉर्म करती हैं तो किस किस्म के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं डेली रूटीन में? बीइंग अ फीमेल पुलिस ऑफिसर आई थिंक इंसान उतना ही चैलेंज्ड फील करता है जितना वो करना चाहता है। फॉर एग्जांपल हमें हर रोज़ एक नई सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। सो वो किसी फीमेल ऑफिसर के लिए तो क्या, किसी मेल ऑफिसर के लिए भी आई थिंक एक चैलेंज ही होता है बिकॉज वी आर कमिंग अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस ऑन डेली बेसिस। लेकिन अगर मैं फीमेल एस्पेक्ट के उससे देखूँ तो जराइम का खात्मा करने में हमें इस लिहाज से चैलेंजेस होते हैं कि एक हमारी सोसाइटी में एक सोशल स्टिग्मा है लाइक अगेंस्ट द फीमेल्स, तो हमारी पुलिस भी तो इसी माशरे में से ही आ रही है ना, उसी का ही एक सैम्पल सेट है हमारी पुलिस। तो जो एक माशरे के अंदर एग्जिस्ट करता है कि अच्छा फीमेल है, तो एक नॉर्मली किसी को बताया जाए कि फीमेल ऑफिसर आ रही है इस पोस्ट के ऊपर तो उनके जहन में पहला यही ओपिनियन होता है कि अच्छा ये फीमेल है, मतलब दे लाइक यू नो दे टेक अलोंग दिस आइडेंटिटी इस बात से ज्यादा कि वो एक ऑफिसर ही है ना अगर फीमेल है। हम मेल फीमेल में क्यों उसको हम डिवाइड कर रहे हैं? एग्जैक्टली, आपका जो प्रोफेशन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके अंदर कोई जेंडर नहीं होता। सही। तो इस हवाले से होता है आपकी टीम को टैकल करना है किस तरीके से, क्योंकि वो लोगों के माइंड में तो एक प्री सेट नोशन होता है उसको ब्रेक करना। फिर इसी तरह से जो मुजरिम होते हैं जिनके साथ यू नो कुछ मुजरिम होते हैं उनको आपके बारे में मालूम होता है कि अच्छा शायद मैडम हम पे काम कर रही हैं एंड ऑल दैट, तो दे ऑल्सो टेक यू लाइक नॉन सीरियसली और ये वो, फिर वो करके जब दिखा देते हैं तो फिर उनको मालूम हो जाता है। मतलब ये कहा जाए कि अपनी पोजीशन बनाने में थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ती है, तो गलत नहीं होगा। एक खातून फीमेल ऑफिसर को डबल एफर्ट करनी पड़ती है वो स्टिग्मा ब्रेक करने के लिए। सही। अच्छा मुझे बताएं कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि पुलिस मौका पर लेट पहुंचती है, तो क्या समझती हैं कि ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? ये तासुर बहुत हद तक दुरुस्त है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पहले तो इस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी इतनी इम्प्रोवाइज नहीं हुई थी, इसकी वजह से रिस्पॉन्स टाइम हमारा इतना बेहतर नहीं था। ठीक है, अब इवेंचुअली विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। जैसे अब सेफ सिटी है तो ये आपके कॉल्स के ऊपर फ़ौरन चेक कर रहा होता है सारी चीज़ों को। इस तरह से हम जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स होते हैं हम उनका रिस्पॉन्स टाइम चेक कर रहे होते हैं। अब जो है सेलुलर नेटवर्क आ गया है, पहले सिर्फ आपका सेट हुआ करता था जो कंट्रोलर के पास आपके होता है, तो सिर्फ आप उस थ्रू से लाइक उस एक मीडियम से कंट्रोल उनको कर सकते थे, लेकिन अब आप उनको मोबाइल से भी कर सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं। यू नो विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ये कि लोग कहते हैं कि पुलिस लेट पहुंचती है तो ये गलत है। अब बहुत बेहतर हो गया हमारा रिस्पॉन्स टाइम, बेहतर हो गया। अब और स्पेसिफिकली जब हमारे हीनियस क्राइम की बात आती है तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विजिलेंटली उसको चेक कर रहे होते हैं। खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई बहुत ज़्यादा ग्रीवियंस एक्ट हुआ होता है तो उस पर हमारी विजिलेंस ज़्यादा होती है, उस पर हम ज़्यादा अलर्ट होते हैं, उस पर हम अपनी ज़्यादा नंबर ऑफ टीम को मोबिलाइज करते हैं और उस पर चौंकी रिस्पॉन्स टाइम मैटर भी बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। यू नो क्योंकि मैटर ऑफ सेकेंड्स की बात होती है कि दैट कैन मेक और ब्रेक अ सिचुएशन, तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं। अच्छा मैम अक्सर ये देखा जाता है सोशल मीडियाज पर, हम ये वीडियोज़ भी देखते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर कि पुलिस वाले अपने गाड़ियों को खुद धक्का लगा रहे होते हैं। मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या पुलिस महकमे में गाड़ियाँ और इक्विपमेंट मुकम्मल है, पूरा है, या इसमें भी कमी देखी जा रही है? या आपका जो एरिया है जो आपकी तीन पुलिस स्टेशन आपके अंदर आते हैं उस हवाले से नफरी और वो सारी चीज़ें पूरी हैं, या फिर ये इस तरह से एक शुगल की हद तक की बात है कि वो गाड़ियों को धक्के लगा रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है? देखिए रिसोर्सेज तो अगर किसी भी गवर्नमेंट के उसमें डिपार्टमेंट में देखा जाए
तो वो जितना रिक्वायर्ड होता है उससे तो कम ही रहते हैं, आपको उसकी चीज़ों के साथ मैनेज करना होता है, उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर ही काम करना होता है. सही. तो हाँ थोड़ा होता भी है और समटाइम्स, लेकिन दे आर रियली पुलिंग इट ऑफ रियली वेल, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हासिल कि अब सही. चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया गया है पुलिस वेलफेयर के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए और उनकी फैमिलीज की वेलफेयर के लिए. मतलब तो चीज़ें विद द अब पैसेज इस ऑफ टाइम बेहतर हो रही हैं. बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई. अच्छा, अक्सर जो हम ये मैम जिक्र करते हैं इंटरेस्ट का, कि उस तरह से जैसा होना चाहिए एक पब्लिक को या एक आवाम को अपनी पुलिस पे, वो अगर कहा जाए कि उतना ट्रस्ट नहीं है तो गलत नहीं होगा, तो क्या समझती हैं कि अभी जो आपकी सुपरविजन है इस वक्त पंजाब पुलिस की, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं उस ट्रस्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आवाम और पुलिस के दरमियान? पब्लिक पुलिस ट्रस्ट डेफिसिट डेफिनेटली माजी में भी रहा है, अभी भी एग्जिस्ट करता है, और उसकी बहुत ठोस और बुनियादी वजूहात हैं, एंड दैट गोज़ बैक टू हिस्ट्री, कि जब पुलिस का क्याम हुआ तो पुलिस यहाँ के लोकल लोगों ने नहीं बनाई है, ये एक अंग्रेज़ का बनाया हुआ निज़ाम है, जिसके ऊपर तब उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एक बैकलैश आया था प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट. लेकिन इवेंचुअली टाइम एंड अगेन कुछ इस तरह से हाई हैंडेडनेस, करप्शन और इस तरह के वाकयात हुए भी हैं कि जिसकी वजह से अवाम के दिलों के अंदर एक खौफ बैठ गया. बट देन अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट कि वो लोग गलत करते हैं जो खामोशी के साथ पिसते रहते हैं. आई थिंक पीपल शुड कम आउट ताकि हम ऐसे ऑफिसर्स जो करप्ट हैं या हाई हैंडेडनेस के मुर्तकिब होते हैं, हम उनके खिलाफ प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल हम उनकी इंक्वायरी करें. और अभी तक ऐसा ही होता है कि जो भी अगर पब्लिक की तरफ से इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है, हम उसको बिल्कुल फेयर ग्राउंड्स के ऊपर, बहुत मेरिट के ऊपर हम उसको जज करते हैं. और अपने लोगों को जो है, हमारे जो पुलिस फोर्स के लोग हैं, अगर वो वाकई इसमें मुर्तकिब पाए जाते हैं तो हम उनको प्रॉपर सजा देते हैं. सही. अच्छा मैम, देखा ये जाता है और ये होता भी है कि महकमा पुलिस एक बहुत ही हेक्टिक डिपार्टमेंट है. कोई भी आर्म फोर्सेस जिनके साथ पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ा ही हेक्टिक डिपार्टमेंट होता है. तो मैम, इस इंडिविजुअली बेसिस पे आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो इस हेक्टिक रूटीन में ना, जहाँ ना दिन का पता ना रात का पता, कभी भी सोते वक्त उठा दिया, आप किसी फैमिली सर्कल में हैं, आप किसी फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, जब काम आ गया, ड्यूटी आ गई, मैम इन सब सिचुएशन में आप अपने आप को मेंटेन कैसे रखती हैं? मेंटेन, आर यू टॉकिंग हेल्थ? Yes, I'm talking about your health. Yeah. अच्छा, हेल्थ के साथ साथ एक और बात भी बताइएगा कि अक्सर खवातीन, जैसे मैं भी, मुझे भी बहुत फिक्र होती है अपनी स्किन की और अपनी सारी, आप ज़ाहिर खवातीन को अक्सर फिक्र होती है स्किन टोन ना ख़राब हो जाए, ज़रा धूप में निकलना चाहिए. तो अब ये काम तो नहीं हो सकता कि आपकी फील्ड में खवातीन घरों में नहीं बैठ सकती, उनको फील्ड में जाना है और इतनी ज़्यादा केयर नहीं भी होती, तो कैसे अपनी स्किन का प्लस हेल्थ का, ये दोनों बातों का जवाब दें, कैसे आप ख्याल रखती हैं? अच्छा, मैं इसको भी हेल्थ वाले क्वेश्चन के अंदर ही देखूंगी, बिकॉज आई थिंक जो ब्यूटी है ना, वो बेसिकली आपका हेल्थ ही है. इफ यू आर हेल्दी, यू आर ब्यूटीफुल. ठीक है, तो हेल्थ के लिए यस, इट्स वेरी डेंजरस कि आपकी स्किन टोन जो है वो आपके सनबर्न्स और ये सारा कुछ, सो फॉर दैट प्रॉपर यू नो सनस्क्रीन, ग्लासेस एंड कैप और ये चीज़ें इनका यूज, और हेल्थ इफेक्ट होती है. हेल्थ के जैसे आपने क्वेश्चन किया था हेल्थ का किस तरह ख्याल रखते, तो लिटरली हमें तो अपने मील्स का नहीं पता होता, और समटाइम्स इतना वर्कलोड आ जाता है कि हमारे मील्स स्किप हो जाते हैं, सो प्रोबेबली दैट कीप्स अस फिट. मैं ख्याल है कि स्मार्टनेस का राज भी यही है, वेट में वेट रिमेंस अंडर कंट्रोल प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस रीजन. सही. अच्छा, CSS का ख्वाब था, क्योंकि इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं अक्सर, कि CSS के बाद खवातीन कम आ रही थी पहले, लेकिन अब अगर देखा जाए तो रेशो काफ़ी ज़्यादा है CSS के बाद खवातीन का PSP ग्रुप को ज्वाइन करने का. तो आपने ये ज्वाइन किया, ये बाय चॉइस था या फिर फैमिली का कोई प्रेशर था या अब्बा का ख्वाब था कि बेटी को मैंने पुलिस फोर्स में ही भिजवाना है, तो इस हवाले से बताइएगा. पुलिस PSP के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, आई केम अक्रॉस PSP ऑफिसर्स व्हेन आई वाज सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर. अच्छा. तो यस, जब मैं वहाँ पर काम कर रही थी और मेरा इनके साथ इंटरेक्शन था, बिकॉज आपको पता है इन दोनों का बहुत ज़्यादा आपस में लाइज़ॉन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है डूइंग डिफरेंट टास्क, तो आई वाज क्वाइट इंस्पायर्ड एंड आई फाउंड दिस ग्रुप एज वेरी करिस्मेटिक. सो जब व्हेन आई अपीयर्ड फॉर CSS, तो आई थॉट कि PSP शुड बी माई फर्स्ट चॉइस, बिकॉज आई फाइंड इट वेरी डिसिप्लिन्ड एंड यू नो एक उसका एक अलग ऑरा है, तो आई फाइंड इट रियली अट्रैक्टिव. अच्छा मैम, पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर अब तक
वैसे तो बहुत सारे काम होंगे जो आप करना चाहती होंगी, लेकिन अब तक कोई ऐसा काम जो आप कह रही हैं बस ये हो जाए जल्द से जल्द, मैं इसको कर दूं पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए, चाहे वो अवाम उन्नास के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो कोई लिस्ट तो बनाई होगी कि मैं ये काम अब करूंगी पुलिस डिपार्टमेंट में आकर जब तक मैं सर्विस कर रही हूँ, तो हम जरा उसके बारे में आप प्लीज़ शेयर करें। बिल्कुल, देयर इज अ बकेट लिस्ट जो मुझे काम दूसरों के लिए करने हैं, जो मुझे काम अपने लिए करने, अपने लिए इन द सेंस के खुद को किस तरह से ग्रूम करना है इस एटमोसफेयर में रहते हुए, और खुद को अपने प्रोफेशनली ज़्यादा एबल बनाना है सो दैट आई एम एबल टू सर्व हेयर बेटर इन बेटर वे, और दूसरा ये कि इस स्ट्रक्चर को किस तरह से चेंज करना है उसके हवाले से भी। बट देन अगेन आई वुड से कि अपने गोल्स को अचीव करने से पहले गोल्स के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहिए। हाँ ये मैम, तो है। ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं आप कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखती हैं जो आप समझती हैं कि आप इसको इंडिविजुअली तौर पे या विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट इसमें चेंजेस ला सकती हैं? आई थिंक जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हमें एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ मजीद काम करने की ज़रूरत है फॉर द राइट्स ऑफ फीमेल्स इन अ डिफरेंट वे। मैं राइट्स ऑफ फीमेल को इस तरह से देखती हूँ कि उनके जो फाइनेंशियल राइट्स हैं, उनके जो लीगल राइट्स हैं, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, किस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाए विच इज़ अनब्रेकेबल फॉर द कल्प्रिट्स। एक इस तरह का स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना दिया जाए, कोई ऐसा लेट्स से डेटाबेस हम अगर इस तरह का कोई एक बना देते हैं कि जिसके अंदर हमें जो अग्रीव फीमेल्स हैं दे कैन पिंग ऑन अस और हमें फ़ौरन से पता चल जाए, वी कैन बी देयर गार्डियंस, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन होती हैं, ख़वातीन के बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस होते हैं, बहुत मसले हो इश्यूज रहे होते होते हैं। हैं, सो समटाइम्स वो हमें बता भी नहीं पाती हैं, तो कुछ इस तरह का सिस्टम मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। चलें, आपको इस विश यू हवाले गुड से हम लक। गुड लक भी बोलेंगे। और जैसे अभी हम कुछ देर पहले प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कि किस तरह से कोई टाइमिंग्स नहीं है, आप पूरा पूरा दिन अक्सर फील्ड में गुजर जाता है, तो सारा फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती होगी। तो कोई ऐसा टाइम आया जब सोचा कि मेरी तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तो मैंने क्या फील्ड चूज कर ली है, गलत कर लिया, कुछ कभी ऐसा सोचा आया? सोचने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, सोचने का टाइम भी नहीं है। सही है, भी मैम, ठीक। इन शॉर्ट घर और फैमिली को कैसे आप मैनेज करती हैं? घर और घर और फैमिली फैमिली को, मतलब सॉरी, काम और फैमिली को, काम और घर को आप राइट। कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, काम और फैमिली को आई थिंक मेरे लिए घर बस इतना ही है कि घर जाओ और नाइट सूट पहनो और शावर लो और सो जाओ, बस अच्छा यही बस टाइम है। दिस इज ओनली। अच्छा, दिस इज तो ओनली। इसमें आप क्या समझती हैं, फैमिली सपोर्ट जो ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी हो गया, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो फीमेल घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, तो फैमिली सपोर्ट के हवाले से बताएं कि ज़ाहिर है आपकी आपका तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगी, तो ये सपोर्ट कितनी ज़रूरी है, और इस हवाले से कोई मैसेज अगर देना चाहें और हमारी देखने वाली ख़वातीन के नाम को पैगाम देना चाहें। फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट माई फैमिली सपोर्ट आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस, बिकॉज आपको एक गारंटेड 100% अपनी फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है, तभी आप यहाँ पे बैठे हो। आप महीनों महीनों तक अपनी फैमिली को पूछ नहीं रहे हो, तो दे हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू दैट वेयर एवर यू आर सेफ एंड यू आर डूइंग गुड थिंग्स। सो यस, उनकी तरफ से सपोर्ट होती है, बल्कि जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, वी आर ह्यूमंस ना, तो बिल्कुल हमारे ऐसे सबकी है। लाइफ में इस तरह की फेजेस आती हैं, हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिट्रैक्ट होने लगते हैं, तो तब अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑलवेज टेल पीपल कि मेरी फैमिली ही होती है जो मुझे दोबारा बकअप से करती बकअप है। करती है, दोबारा से यू नो एनर्जाइज करती है कि अच्छा ठीक है, रिलैक्स, ये फेज है, इट विल पास ऑन ना। और कोई पैगाम देना चाहिए ख्वातीन के लिए, स्पेशली इस फील्ड में आने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, कि आप में दम है, आप कुछ कर सकती हैं, तो बस थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और खड़ी हो जाइए, यू कैन डू इट, तो कोई पैगाम देना चाहिए ख्वातीन के नाम? बिल्कुल, मैं फीमेल्स को एक पैगाम देना चाहूँगी, और मुझे ऐसा लगता है आई होप कि समवन हु रियली नीड्स टू लिसन टू दिस इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ। मेरा पैगाम ये है कि कहीं भी अगर आप किसी भी चीज़ में पिस रही हैं, अगर आप किसी भी चीज़ में आपको डिसएडवांटेज अपोजिशन पर हैं, तो प्लीज़ कम आउट एंड स्पीक फॉर योर सेल्फ, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बोलेंगी तो नो वन एल्स इज़ गोइंग टू स्पीक फॉर यू। जस्ट नो कि आपने कब बोलना है और क्या बोलना है, जस्ट उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, लेकिन आप अपने लिए खुद बोलेंगी, अपने इकोनॉमिक राइट्स के लिए, अपने लीगल राइट्स के लिए और अपनी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, तो दुनिया आपको पहचानेगी। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।
तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ ASP मॉडल टाउन रिजवाना मलिक साहिबा, जिन्होंने हमें अपने लाइफ के चैलेंजेस के बारे में बताया, ये क्या पुलिस के महकमे में बेहतर करना चाहती हैं ये बताया, ये इंडिविजुअल तौर पे किस तरह से वामोन्नास के लिए काम करना चाहती हैं और जेंडर इक्वालिटी के बारे में क्या करना चाहती हैं, ये तमाम चीज़ें हमने इनसे इस सेगमेंट में डिस्कस की। अब हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टे विद अस।